नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कल का मुकाबला जो रहा वो बेहद ही ज़्यादा रोमांचक रहा और इस मुकाबले को देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। खास करके दोस्तों, कल ऋषभ पंत को लेकर बहुत ज़्यादा निराशा हुई और ऋषभ पंत ने कहीं ना कहीं ये कह ही दिया कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा गम है कि उनकी टीम प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है, सर्वाइव कर रही है। कल चेन्नई सुपर किंग्स से दिल्ली कैपिटल को पूरे 91 रनों से हार का सामना करना पड़ा है, जो कि अब तक की इनकी सबसे बड़ी हार है इस IPL में। अब इसके बाद जहाँ दिल्ली कैपिटल का रन रेट भी बिगड़ चुका है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल की प्लेऑफ में जो पहुंचने की उम्मीदें हैं वो भी अब धूमिल सी होने लग गई है। ऐसे में ऋषभ पंत का एक बहुत ही धांसु बयान आया है और ऋषभ पंत ने बताया कि कहां उनकी टीम से गलती हुई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हां, चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच में कल एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग की तरफ से दोस्तों पहले ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कनवे ओपनिंग करने के लिए आए थे। दोनों खिलाड़ी ने मिलकर एक बार फिर से बहुत ही शानदार शुरुआत की और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले विकेट के लिए इन्होंने 110 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पारी में 33 गेंदों पर 41 रन जड़ दिए, तो वहीं डेवन कनवे कहां रुकने वाले थे, इन्होंने 49 गेंदों पर ही 87 रन जड़ दिए और अपनी पारी में इन्होंने 7 चौकों के साथ साथ 5 छक्के भी जड़े और इसके बाद बची खुची कसर शिवम दुबे ने पूरी कर दी। जब शिवम दुबे ने आते ही 19 ही गेंदों पर सीधे 32 रन जड़ दिया और इसके बाद दोस्तों रायडू आए थे। रायडू सिर्फ 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी कहां रुकने वाले थे। धोनी ने एक बार फिर से दिखाया कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। 8 गेंदों पर ही धोनी ने 21 रन जड़ दिया, तो कुल मिलाकर के गिरते पड़ते चेन्नई की टीम ने 208 रन बना दिया 6 विकेट के नुकसान पर। अब इसके बाद दोस्तों जो दिल्ली कैपिटल थी उसको 209 रन यानी पहाड़ जैसा टारगेट पूरा करना था। ऐसे में दिल्ली कैपिटल की टीम शुरू से ही लड़खड़ा गई और देखने को मिला कि श्रीकर भरत सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं डेविड वार्नर जो कि हमेशा दिल्ली कैपिटल के मैच के हीरो रहा करते थे वो सिर्फ और सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल मार्श 20 गेंदों पर सिर्फ 25 रन ही बनाकर आउट हो गए, तो वहीं ऋषभ पंत भी ज़्यादा कुछ खास कर ना सके, सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अंत में शार्दुल ठाकुर ने 19 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो कुल मिलाकर के दिल्ली कैपिटल की टीम सिर्फ 117 रनों पर रह गई और 91 रनों से इस मैच में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। अब इसके बाद ऋषभ पंत की टीम लगभग प्ले ऑफ से बाहर होने की कगार पर खड़ी हो चुकी है और इसके बाद ऋषभ पंत का धांसू बयान आया है और ऋषभ पंत ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारी टीम को तैयार रहना चाहिए था इस सिचुएशन के लिए लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। ऋषभ पंत का मानना है कि चेन्नई की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की है लेकिन फिर भी हमारी टीम ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। इसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा निराश हैं क्योंकि उनको पता है कि ये हार जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी हार है और इसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल के जो कप्तान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए हैं और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों की कमी उनकी टीम में खली है और इस वजह से उनकी टीम हार गई। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत रो देंगे। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।